अस्सलामुअलैकुम। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेट्स की डिफरेंट टाइप्स। हम डिस्कस कर रहे हैं तो नेक्स्ट जो हमारे पास हेडिंग बनेगी वो ये है कि सब सेट क्या होता है। सब सेट, ठीक हो गया स्टूडेंट। सबसे पहले आप सब सेट की डेफिनेशन देखेंगे, जिसमें क्या है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, ठीक है, देन ए इज, सो हम क्या कहेंगे कि ए इज सबसेट ऑफ सेट बी, ठीक है। और इसको लिखें कैसेंगे कि एक सेट दूसरे सेट के सबसेट, किस तरह से हम इसको मतलब डिनोट करेंगे मैथ्स में। तो सिंबॉलिकली एक सेट ए जो है वो कब सेट सबसेट होगा बी का, अगर उसको इस तरह से लिखा हो तो इसका मतलब क्या है कि ए जो है वो बी का सबसेट है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर सबसेट। सो हेडिंग बनेगी हमारे पास प्रॉपर सबसेट की। प्रॉपर सेट सब क्यों, सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, अच्छा प्रॉपर सबसेट में क्या है कि इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, सबसेट ऑफ बी एंड बी कॉन्टेन्स एटलीस्ट कम से कम वन एलिमेंट विच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, इसमें आपने ये देखना है कि डेफिनेशन में क्या कहा गया है कि ए सबसेट हो बी का, ठीक है, लेकिन बी में एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ए से बिलोंग ना कर रहा हो। एटलीस्ट का मतलब क्या होगा कि कम से कम एक होना चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। सो एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं ताकि मजीद क्लियर हो। ए अगर आपके पास है 1 2 3, बी जो है ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, बी अगर आप इसको कंसिडर करो 1 2 3 4, ठीक है। तो अगर आप देखें 1 2 3 जो सेट ए है वो सबसेट है बी का, क्योंकि इसके एलिमेंट क्या 1 2 3, तो ऑलरेडी 1 2 3 जो है बी में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ए जो है बी का सबसेट है। लेकिन 4 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि ए का एलिमेंट नहीं, सबसेट तो है लेकिन बी में एक एलिमेंट ऐसा है जो ए से बिलोंग नहीं करता, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। सेकेंड नंबर पर इसकी एग्जाम्पल देखेंगे कि अगेन हम ए को उसी तरह 1 2 3 से डिनोट करेंगे, बी जो है इसको अब थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते 1 2 3 4 और 5। उसकी वजह क्या है कि डेफिनेशन में एटलीस्ट का वर्ड यूज किया गया। एटलीस्ट का मतलब क्या है कि कम से कम एक ऐसा होना चाहिए, दो भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा जितने मर्जी हो चाहे। तो पहले में मैंने एक एलिमेंट ऐसा लिया था जो कि एक एलिमेंट नहीं था, यहाँ 4 के साथ 5 को भी हमने इंक्लूड किया है जो कि एक एलिमेंट नहीं है। सो हम क्या कहेंगे कि ए जो है वो सबसेट ऑफ बी है। और इसको लिखा कैसे जाएगा, सिंबॉलिकली किसी भी सेट को प्रॉपर सबसेट किस तरह से लिखा जाता है। सो सिंबॉलिकली हम क्या लिखेंगे कि ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का, इसको इस तरह से लिखा जाता है, ठीक हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट है हमारे पास इम्प्रॉपर सेट। सो इम्प्रॉपर की डेफिनेशन लिखेंगे, इम्प्रॉपर सेट, इम्प्रॉपर सेट, इम्प्रॉपर सेट, ठीक हो गया स्टूडेंट। अच्छा इम्प्रॉपर की डेफिनेशन देख लेते हैं कि उसमें किस तरह से डिफाइन किया गया है। सेट इफ अस इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इफ ए इज अ
सबसेट ऑफ बी एंड ए इज इक्वल्स टू बी आ जाए। पिछले जो हमने प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें हमने ये कहा था कि बी का एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि ए में ना हो, ठीक है। यहां क्या है कि अगर ए और बी दोनों, ए जो है वो बी का सबसेट भी हो और दोनों आपस में इक्वल भी हो तो हम उसको क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर सेट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल दो सेट आपने कंसिडर करने, ए है 1 2 3 और बी जो है वो भी आपके पास क्या है 1 2 3। तो अगर आप देखें तो 1 2 3 इधर भी है, 1 2 3 इधर भी है, सो ये क्या है कि ए इज अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी आ जाएगा आपके पास, ठीक हो गया स्टूडेंट। सो आपने यहां पर स्टूडेंट इस वीडियो में, लेक्चर में और पिछले वीडियो लेक्चर में देखा कि हमने डिफरेंट जो टाइप है सेट्स की उसको डिस्कस किया। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट। सो नेक्स्ट हमारे पास जो हेडिंग बनने लगी है वो होगी ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। अच्छा स्टूडेंट, सेट्स पे ऑपरेशन डिफाइन होने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है, ऑपरेशन से मतलब ये होगा कि यूनियन कैसे फाइंड करते हैं और इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, ठीक हो गया। यूनियन इंटरसेक्शन में छोटी क्लासेस में आपने चीज सीखी हुई है कि यूनियन क्या होता है। अगर दो सेट हैं, जब आप उनका यूनियन लेते हैं तो आप क्या करते हैं कि दोनों सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको कंबाइन करके लिख के एक नया सेट आ जाता है, तो हम उसको कहते हैं कि हमने दोनों सेटों का यूनियन लिया हुआ है, सही हो गया। तो यूनियन जो है एक ऑपरेशन है, सही हो गया। उसी तरह जब आपके पास कोई से भी दो सेट हो, आप उनका इंटरसेक्शन लेते हैं। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं कि दोनों सेट्स में से जो चीज कॉमन आ रही होती है उसको एक नए सेट में लिख देते हैं, तो और कहते हैं कि ये इन दो सेट्स का इंटरसेक्शन है। तो जो इंटरसेक्शन होगा वो भी आपके पास क्या आ जाएगा, एक ऑपरेशन होगा, ठीक हो गया। सो पहला जो चीज है, पहली जो हेडिंग है वो आएगी आपके पास यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो आ जाएगा यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स या टू सेट्स, आप दोनों तरीकों से लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और उसमें क्या आएगा, यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, उसको डिनोट किया जाता है ए यूनियन बी से, और उसमें क्या होता है कि जो दोनों में से बिलोंग कर रहे होते हैं वो सारे के सारे आ जाते हैं, ठीक हो गया। एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सेट है 1 2 3 और बी सेट है 1 2 3 4 6 है, तो दोनों का अगर यूनियन लेंगे तो दोनों को कंबाइन करेंगे और वैल्यू रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि हम ये सेट के डेफिनेशन में चीज एक्सप्लेन कर चुके हैं कि वैल्यू रिपीट नहीं होगी, ठीक है। तो दोनों में से अगर कोई एलिमेंट किसी एक में से भी बिलोंग करता है तो वो यूनियन में आएगा। तो 1 2 3 दोनों में से, तो हमने लिख लिया, 4 इधर ए में नहीं है वहां है तो आएगा, 6 ए में नहीं है बी में है तो वो भी आएगा। तो ये स्टूडेंट आपके पास क्या होगी, यूनियन ऑफ टू सेट्स होगी, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अगले लेक्चर में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।